My introduction. Name. Age. Birthday. Past. Country. City. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बड़े होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो यार। हाँ, तो इस प्रकार का वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है इंस्टाग्राम रील्स पर। अगर आप भी बना करके इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हो तो गाइस आपका वीडियो वायरल हो सकता है। इस प्रकार का वीडियो बनाने के लिए आपको कैपकट एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। कैपकट एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलता है। तो गाइस, मैं वीडियो लास्ट में बता दूंगा ये एप्लीकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे डाउनलोड करना है। दूसरे एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी आपको वीपीएन की। वीपीएन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाता है, तो वहाँ से आप कोई भी एक वीपीएन डाउनलोड करके अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेना है डेटा ऑन करके। गाइस, उसके बाद में आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है। गाइस, एप्लीकेशन ओपन होने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। गाइस, अब आपको यहाँ फोटो पर आना है और गाइस यहाँ से आपको 6 से 7 फोटो अपने सेलेक्ट कर लेने हैं। मैं कर लेता हूँ। तो फोटो सेलेक्ट करने के बाद में ऐड पर क्लिक करना है। गाइस, कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इधर स्क्रॉल करना है, यहाँ रेशियो क्लिक करना है और यहाँ से 9:16 वाला रेस सेलेक्ट करना है। गाइस, रेशियो सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ फोटो क्लिक करना है और गाइस आपको इसे जूम करते हुए कुछ इस प्रकार फुल स्क्रीन कर लेना है अगले वाले फोटो पर आना है। इसे भी आपको जूम करते हुए फुल स्क्रीन कर लेना है अगले वाले फोटो पर। इसी प्रकार आपको ये सभी फुल स्क्रीन कर लेने हैं। मैं कर लेता हूँ। तो गाइस, सभी फोटो को फुल स्क्रीन करने के बाद में लास्ट में ब्लैक लेयर पर क्लिक करना है, डिलीट पर क्लिक करके डिलीट कर देना है। अब आपको स्टार्टिंग में ना गाइस फोटो में ऑडियो साउंड ऐड करने के लिए यहाँ ऐड ऑडियो क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऐड क्लिक करना है और गाइस यहाँ से आपको इसमें ये वाला वीडियो ऐड कर लेना है। इस वीडियो के बारे में लास्ट में बता दूंगा। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद में इम्पोर्ट साउंड ओनली क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर आपको ध्यान देना है, वीडियो को प्ले करते हुए ऑडियो साउंड को सुनना है। माय इंट्रोडक्शन नेम। तो गाइस यहाँ पर नाम सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पर आना है आपको, यहाँ फोटो क्लिक करना है फर्स्ट वाले पर और गाइस जिसे आपको कुछ इस पर का कम कर लेना है, यहाँ तक इसका लेंथ रख लेना है। अब इसके बाद में यहाँ से प्ले करना है आपको फिर से। नेम गाइस यहाँ एज बता रहा है, यहाँ पर आपको ये फिर से फोटो का लेंथ कम कर लेना है कुछ इस पर का। दोबारा से प्ले करना है गाइस, यहाँ बर्थडे पर आना है और इसका लेंथ फिर से कम कर लेना है। गाइस इसी प्रकार आपको सभी को वीडियो प्ले करके सुनना है और सेट कर लेना है सभी फोटो को। तो मैं कर लेता हूँ, आप वो कर लें। और गाइस यहाँ लास्ट वाले फोटो का लेंथ ऑडियो साउंड तक रखना है, इस पर क्लिक करके आपको ये कम कर लेना है कुछ इस पर का। अब आपको स्टार्टिंग में गाइस यहाँ स्टार्टिंग में ऑडियो साउंड पर माई इंट्रोडक्शन एड करना है, लिखना है मतलब की। तो इसके लिए यहाँ बैक लेना है, यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करना है, ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करना है और गाइस यहाँ एंटर टेक्स्ट पर क्लिक करना है और गाइस यहाँ टाइप करना है आपको माय इंट्रोडक्शन। ये टाइप करने के बाद राइट पर क्लिक करना है, गाइस यहाँ ए स्टाइल पर क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर आपको फॉन्ट कलर स्टाइल एड कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ कोई भी एक, अपने हिसाब से कर लें आप। सेलेक्ट करने के बाद में राइट पर क्लिक करना है। तो गाइस आपको यहाँ इसे ऊपर सेट कर लेना है कुछ इस पर का। इसका लेंथ आपको फर्स्ट वाले फोटो के लेंथ के बराबर ही रखना है। यहाँ पर आना है और इसे कम कर लेना है। यहाँ पर दूसरे वाले फोटो के ड्यूरेशन पर आना है और यहाँ पर आपको प्ले करके सुनना है। नेम। अब आपको यहाँ पर नेम टाइप कर देना है, एड टेक्स्ट पर क्लिक करना है, जो भी आपका नाम हो वो आपको यहाँ टाइप कर देना है। मैं कर लेता हूँ, इसको यहाँ ऊपर सेट करना है फिर से। इसका लेंथ यहाँ फोटो के बराबर ही रखना है, इसे कम कर लेना है कुछ इस प्रकार। फिर से अगले वाले फोटो पर आपको प्ले करना है। अब गाइस यहाँ ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करना है और अपना एज यहाँ पर एंटर कर देना है, इसे ऊपर सेट करना है। इसका लेंथ फोटो के बराबर रखना है। फिर से प्ले करना है, एड टेक्स्ट पर आना है और गाइस यहाँ पर आपको बर्थडे का डेट ऐड कर देना है। राइट पर क्लिक करना है, यहाँ ऊपर सेट करना है, इसका भी लेंथ फोटो के बराबर ही रखना है। अगले वाले फोटो पर प्ले करना है, गाइस यहाँ पर आपको कास्ट ऐड करना है। कास्ट ऐड करने के बाद राइट क्लिक करना
और इसे भी ऊपर सेट कर लेना। फोटो तक ही लेंथ रखना है अगले वाले फोटो पर। Country. फिर से गाइज आपको एड टेक्स्ट पर आने और यहाँ पर आपको फिर से टेक्स्ट ऐड कर देना है, ऊपर सेट करना है, ऐड क्लिक करना है, लेंथ को यहाँ तक ही रखना है, ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर से यहाँ लास्ट में फिर से आपको वीडियो प्ले करना है, ऐड टेक्स्ट पर आना है और गाइज यहाँ पर आपको सिटी टाइप कर देना है जो भी आपका सिटी हो, इसका भी लेंथ आपको यहाँ तक ही रखना है फोटो तक। गाइज आपको स्टार्टिंग में आना है, गाइज यहाँ स्टार्टिंग पर आने के बाद में फोटो क्लिक करना है, एनिमेशन पर आना है, गाइज यहाँ कॉम्बो क्लिक करना है और गाइज इसमें आपको सेकंड नंबर वाला एनिमेशन ऐड कर लेना है। माय इंट्रोडक्शन ऐड क्लिक करना, अगले वाले फोटो पर आना है एनिमेशन में और गाइज यहाँ कॉम्बो पर आना है, इधर स्क्रॉल करना है, गाइज इस बार इसमें आपको पेंडुलम वन वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है, अगले वाले फोटो पर आना है, इधर स्क्रॉल करना है और पेंडुलम टू वाला ये वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है, अगले वाले फोटो पर पेंडुलम वन सेलेक्ट कर लेना है, अगले वाले फोटो पर पेंडुलम टू सेलेक्ट कर लेना है, अगले वाले फोटो पर पेंडुलम वन, लास्ट वाले फोटो पर पेंडुलम टू। यहाँ पर सभी में एनिमेशन ऐड हो चुका है, राइट भी क्लिक करना है और गाइस हमारा वीडियो कंप्लीट है, मैं थोड़ा प्ले करके दिखा देता हूँ। माय इंट्रोडक्शन नेम, तो गाइस इसी प्रकार आप वीडियो बना सकते हो। अब आपको इसे एक्सपोर्ट करने के लिए एरो वाले आइकन क्लिक करना है, गाइस यहाँ से वीडियो एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।